to prove S is equal to VT by calculus method. देखो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं. सपोज करो आपके पास एक बॉडी है और ये ओरिजन है. ओरिजन से इसका कोऑर्डिनेट x1 है. जब टाइम t1 की वैल्यू क्या है, जीरो है. फिर थोड़ी देर के बाद t2 is equal to t पे इसकी जो पोजीशन या कोऑर्डिनेट है वो x2 है. तो डिस्प्लेसमेंट कवर कितनी है, x2 माइनस x1. सही है यहां तक? तो क्योंकि बॉडी मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, v सेम है इसमें, क्योंकि हमने क्या प्रूव करना है, s is equal to vt, और ये तब एप्लीकेबल है जब वेलोसिटी कांस्टेंट है. तो s is equal to vt में v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी या फिर इस केस में वेलोसिटी सेम है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही. जो मर्जी वेलोसिटी बोलो उसका आंसर तो सेम ही आएगा. और v होता क्या है, dx by dt. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. फिर ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है स्मॉल टाइम में, इसे अगर इंटीग्रेट करें तो लिमिट्स लगानी पड़ेंगी. x की लिमिट क्या लगेगी, डिस्टेंस की लिमिट क्या लगेगी. जब बॉडी यहां पर थी तो डिस्प्लेसमेंट क्या थी, x1, और जब बॉडी यहां पर है डिस्प्लेसमेंट क्या है, x2. तो x की लिमिट क्या लगेगी, x1 से x2. क्लियर है यहां तक? और टाइम की लिमिट क्या लगेगी, 0 से लेके t तक, 0 से t तक. तो टाइम की लिमिट 0 से t तक. v हमने बाहर क्यों निकाला, क्योंकि v इज अ कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है इस क्वेश्चन में. 1 dx की इंटीग्रेशन क्या करवाई थी, x, x1 से x2. 1 dt की t, 0 से t. x में एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, और t में एक बार अपर एक बार लोअर लिमिट. तो ये क्या बनेगा, x2 माइनस x1 जो कि s है, और ये क्या बनेगा, t माइनस 0 t. क्या ये स्टेप क्लियर है? अपनी कॉपी में आप इसे एक बार सारे स्टेप्स को देखें. सारे स्टेप्स देख के अपनी कॉपी में बिना देखे इस पूरे, क्योंकि मेन काम है सिर्फ स्टार्ट कहां से होना है, इसको प्रूव करके देखें प्लीज़.